क्या 2030 तक इंडिया में एंड्रॉइड मोबाइल्स को बंद कर दिया जाएगा? साथ ही साथ आज आप एक ऐसी जगह देखने वाले हैं जहां पर भैया अंधेरे में बैठने के लिए ही लोगों को हजारों रुपए दिए जाते हैं। हैं? सम्राट किल्विश के वंशज अभी भी जिंदा हैं क्या? साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फोन को बिना चार्जर के डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो जीवन में मौजूद उन नागरूपी दोस्तों को याद करते हुए जिनकी वजह से लास्ट मोमेंट पर मुझे पठान की मूवी को कैंसिल करना पड़ा, चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। राजा 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 करे जमे समाजा उठा लो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। गाइस क्या आपको पता है कि जहां एक तरफ इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक ही शूट करने में मेरी स्टूडियो की भैया 3 बार से ज्यादा लाइट जा चुकी है, तो वहीं इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जो कि हर रोज सिर्फ 1 घंटा बिना बिजली के बैठने के लिए ही लोगों को हजारों रुपए देती है। असल में गाइस अभी हाल ही में ब्रिटेन की नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड बोर्ड ने लोगों के सामने ये स्कीम निकाली है कि अगर वो हर दिन महज 1 घंटे बिना बिजली के रहेंगे तो ये बोर्ड उन्हें इनाम के तौर पर लगभग 20,000 रुपए की रकम देगा। और ऐसे सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट वहां के लोगों को बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहने की आदत डलवा सके। मतलब भैया देख रहे हो इस चीज की भी वहां पर आदत डलवानी पड़ रही है। और भैया मैं जिस एरिया में रह रहा हूं अगर 24 घंटे लगातार वहां पर बिजली आ जाए तो ससुर बिजली घर वाले बावले हुए थे उधर घूमते कि कैसे काटे, कहां काटे, किधर काटे बिजली। गाइस क्या आपको पता है कि यूपी के बच्चे ना लगाएं अकल करने में नकल, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसके तहत अगर आपने कर दी एग्जाम में नकल तो भैया आपको कर दिया जाएगा आपकी ही संपत्ति से बेदखल। तो मेरे प्यारे गुलगुलो इस बार अब जो जूतों के अंदर तुम भरे रखते हो ना रखना बंद कर दो, क्योंकि जूतों के अंदर भरे तो तुम रख लोगे लेकिन बाद में जूता किस प्रॉपर्टी में जाके रखोगे, क्योंकि जब तो जो हो जाएगी तुम्हारी। असल में गाइस अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने हाईस्कूल और इंटर के एग्जाम्स के नियम और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं, जिसके चलते हुए अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास में नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर NSA लगा दिया जाएगा और उसके साथ साथ क्लास टीचर और यहां तक कि प्रिंसिपल की भी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। मतलब भैया योगी जी आजकल अलग ही लेवल के स्वैग में चल रहे हैं। नहीं मतलब बहुत अच्छा लो यार फॉर श्योर। वैसे आप जो एग्जाम देने वाले हो किस बोर्ड से देने वाले हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप यूपी बोर्ड से एग्जाम नहीं देने वाले हो तो यूपी बोर्ड के बच्चों को छेड़ने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में, वैसे परेशान है वो आजकल भर्रे कहां को छेड़ेंगे बेचारे। गाइस क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में भैया अफगानिस्तान चेहरे और गर्दन के पीछे ऐसे पड़ा रहता है जैसे एक टाइम पर अमित जी रेल अरे भैया आजकल कफ ज्यादा हो रहा है मुझे मरवाओगे क्या, क्या क्या लिख रहे हो स्क्रिप्ट में। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन तालिबान के एक नए नियम के अनुसार उनकी कंट्री के अंदर जितने भी कपड़े के शोरूम मौजूद हैं उनमें मौजूद पुतलों के फेस को या तो शॉप ओनर को पूरे ही तरीके से कवर करके रखना पड़ेगा या फिर उन्हें कटाना पड़ेगा। मतलब यार गर्दन को लेकर ऐसा कौन सा ऑब्सेशन है भाई तुम लोगों में? हबीबी हमें तो तेरी गर्दन भी बहुत चिकनी लगती है। भाई जान मेरे कौवे जैसी गर्दन ले जाके क्या करोगे, और मेरी बातों को आप इतना सीरियस क्यों लेते हो? मेरी बातों को मेरी जनता सीरियस नहीं लेती वरना इस चैनल पर अभी तक 2 मिलियन हो चुके होते। गाइस ये वाला फैक्ट आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। हैशटैग ये ससुरा ना सुधर सकता। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के मना करने के बावजूद भी चाइना मैग्नेटिक रोबोट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि भैया उसने इसका पहला प्रोटोटाइप भी बनाकर तैयार कर लिया है। असल में गाइस ये एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एक रोबोट अपनी शेप को चेंज करके खुद को सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जिसके चलते हुए इन रोबोट्स को किसी भी जगह पर लॉक करना या फिर कैद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। गाइस जब भी हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो या तो हम उसका स्वागत भाई की तरह स्वैग से नाक पहुंच कर करते हैं या फिर उसके सामने 56 भोग लगाकर। लेकिन भैया मेहमानों का स्वागत उन्हें सूंघ कर कौन करता है यार? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन ग्रीनलैंड के ट्रेडिशन के अनुसार अगर आपके घर में कोई भी रेस्पेक्टेड मेहमान आता है तो आप उसका स्वागत हाथ मिलाकर या फिर हाथ जोड़कर नहीं बल्कि उसे सूंघ कर करते हैं, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि अगर वो मेहमान खुशबू से महक रहा हो तो वो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है। लेकिन वहीं अगर उसकी बॉडी से किसी भी प्रकार की कोई स्मेल आती है तो वो मेहमान आपके घर में एंट्री लेते ही नेगेटिव वाइब्स को ले आता है। गाइस अभी तक तो आपने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के बारे में तो जरूर सुना होगा लेकिन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पेंटिंग दूंगा, अबे ये बीच में कहां से आ गया? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन आज से कुछ समय पहले तमिलनाडु में ब्लड पेंटिंग ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर चल रहा था जिसमें लोग अपने ही ब्लड को निकलवाकर आर्टिस्ट को देते थे और वो आर्टिस्ट उसी ब्लड से उनके लव वंस की पेंटिंग्स को बनाता था। असल में गाइस इन लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि अगर ये लोग इन तरीके की पेंटिंग्स को बनाते हैं तो ये एक तरीके से उन लोगों को रेस्पेक्ट या फिर श्रद्धांजलि देने का एक बेहद ही ऑसम सा तरीका है। लेकिन जैसे ये चीज तमिलनाडु में बहुत बड़े स्केल पर होने लगी तो भैया वहां के हेल्थ मिनिस्टर को खुद लोगों के सामने आकर उन्हें समझाना पड़ा कि युवाओं वैसे ही आप टिकटॉक और रील देखकर अपनी टांगे मोर जैसी कर चुके हो, आप क्या खून चुसवाकर अपनी टांगे सारस जैसी करनी तुम लोगों को? नहीं मतलब एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा नहीं बोला था
शायद उनकी सोच ऐसी रही होगी, उन्होंने तो सीधा से इसको बैन कर दिया। मुझे नहीं पता मैं कवर इसको क्यों कर रहा हूँ, बस मुझे डर है कि मुझे नोटिस ना मिल जाए। मिनिस्टर साहब, बस मैं आपके शब्द रख रहा हूँ मिनिस्टर साहब, और कुछ नहीं है। मतलब अच्छा लगेगा कि एक चैनल जिसके 2 मिलियन भी नहीं है उससे पहले उस पर नोटिस आ जाए। गाइस, क्या आपको बताया कि भाई हाल ही में कांगो में खोजी गई है एक ऐसी रॉक जिसके कारनामे सुनकर आप भी हो जाएंगे शॉक, क्योंकि भैया बिजली जो निकाल रही है अपने अंदर से। असल में गाइस, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत बड़े स्केल पर वायरल हो रही है, जिसमें ये शख्स कुछ इस तरीके से एक स्टोन से ही इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाकर दिखा रहा है। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भैया कोई भी स्टोन या फिर रॉक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो कर सकती है, लेकिन वो अपने अंदर कभी भी उसे स्टोर नहीं कर सकती। #basicscience। लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया तो छोड़िए, हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी लोगों के सामने इसको रहस्यमय और तिलस्मी पत्थर बनाकर ऐसे पेश कर दिया हो कि जैसे भैया ये रॉक कांगो में नहीं बल्कि थोर के प्लेनेट से लाई गई हो। मतलब कंटेंट की कमी क्या क्या करवा देती है लोगों से यार। गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप लोगों को जल्दी पतला होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से पहले तुम दुनिया को सच्चाई बता दो, मैं ही बता देता हूं, उसके लिए भैया करना पड़ता है वर्कआउट। लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है भैया, जहां के लोग अगर वर्कआउट नहीं करते हैं तो वो काफी तेजी के साथ पतले होते हुए चले जाते हैं। ससुरा उल्टी गंगा कितने बह रही है यार। असल में गाइस, ये चमगादड़ जैसा उल्टा काम अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस में होता है, क्योंकि जैसे एक ह्यूमन बॉडी स्पेस में जाती है तो वो बेहद ही अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है, और उस कंडीशन में अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट हर दिन कम से कम 2 घंटे तक एक्सरसाइज ना करे तो वो अपने आप ही अपने फैट और मसल मास को लूज करने लगता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भैया स्पेस में गए हर एक एस्ट्रोनॉट को सिर्फ मोटा रहने के लिए हर रोज 2 घंटे तक लगातार वर्कआउट करना पड़ता है। अजीब लेकिन सच। गाइज, अभी मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद भैया हमारा जादू भी टेंशन में आ गया था। अबे उसका छोटा भाई जो मिल गया कनाडा में। असल में गाइज, इस वीडियो क्लिप को साल 2019 में कनाडा के एक खाली स्टोर में शूट किया गया था, और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद ही साफ तौर से इस अजीब से क्रिएचर को देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे ये क्रिएचर स्टोर के अंदर एंटर होता है, ये इतनी तेज स्पीड के साथ वहां से गुजरता है कि इसके पास रखी एक सीढ़ी तक हिल जाती है। अब डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो क्लिप को हर एक एक्सपर्ट ने हर एक एंगल से एनालाइज करने की कोशिश की है, और अभी तक भी कोई भी एक्सपर्ट ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि इस वीडियो क्लिप के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी की गई हो। और यही चीज हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं भी या नहीं। अभी जादू कहीं कुंभ के मेले में तो नहीं निकल गया था। गाइस, क्या को बताया है कि जहां एक तरफ बेचारी हमारी हेमा मालिनी जी एक ऐसे आरओ को बेच कर थक चुकी हैं जिसके अंदर लेजर, यूवी, आरओ, हरा धनिया, पुदीना, नमक, मिर्च और पता नहीं किन किन चीजों के गुण मौजूद हैं, तो वहीं क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जो कि भैया अपने लोगों को टॉयलेट का रिसाइकल पानी पिलाने के लिए ही मजबूर है। असल में गाइस, बढ़ती हुई वाटर क्राइसिस को देखते हुए बेल्जियम के कुरने ने एक नया नियम पारित किया है जिसके चलते हुए यहां पर मौजूद सभी रेस्टोरेंट्स को अपने टॉयलेट के ही पानी को रिसाइकिल करके अपने कस्टमर्स को सर्व करना पड़ेगा। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस नए नियम के पारित होने के बाद यहाँ के लोग बिना किसी टेंशन के मस्त उसी रिसाइकल वाटर को पी भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये चीज ही रियलाइज कराती है कि भैया अगर हमें प्रॉपर पानी मिल रहा है तो हम कितने ज्यादा लकी हैं। तो इसी बात पर अभी से ये प्रण लो कि आप लोग मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं नहाएंगे, पानी बचाएंगे, और इसी अच्छी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक भी करेंगे। हम सभी को भैया बचपन से ये पढ़ा है, ये यूं कहूं कि रटवाया जाता है कि रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो पूरे तरीके से सही नहीं है, और इसमें हम टीचर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि भैया आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी टीचरों को भी ये नहीं मालूम है कि उन्होंने जो पढ़ा है वो गलत है। क्या चल रहा है हमारे देश में। असल में गाइस, बात अगर रियलिटी की जाए तो अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी ये 100% प्रूफ करके नहीं बोला गया है कि आसमान में बनने वाले रेनबो के अंदर हर हाल में ही 7 कलर मौजूद होंगे, क्योंकि साइंस कभी भी इस बात को कहती ही नहीं है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब भी एक रेनबो बनता है तो उसके अंदर एक कलर एक से ज्यादा बार रिपीट भी कर सकता है, साथ ही साथ ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसमें कभी भी 7 कलर हमें देखने को मिले ही नहीं, क्योंकि आसमान में एक साथ 7 कलर का रेनबो देखना भैया काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। तो इंशॉर्ट आप कह सकते हैं कि में जिस चीज को बेहद ही ऑर्डिनरी समय पढ़ाया जाता है एक्चुअली में उसे देखना काफी ज्यादा रेयर होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई भी साइंस टीचर आपसे ये बोले तो उसे ये वीडियो क्लिप जरूर दिखाएं। हाँ, बस वो अपनी ईगो के चलते हुए आपको रेस्टिकेट ना कर दे भैया, उसकी जिम्मेदारी खुद ले लो। दिस एलिफेंट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने यह साफ कर दिया है कि बहुत ही जल्द हमारे सैनिक आयरन मैन की तरह रोबोटिक म्यूल की मदद से हवा में उड़कर देश की सरहद की सुरक्षा करेंगे, और वास्तव में ये चीज अपने आप में ऑसम जरूर है। फोन को अगर बिना चार्जर के डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। असल में गाइस, आपके भी खुराफाती दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होगा कि भैया अगर एक दिन हम हमारे चार्जर को टाटा बाय बाय गुड बाय कह दें और अपने फोन को डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में हमारे फोन के साथ क्या होगा। वैसे सच बताऊं तो एक ख्याल मुझे तब आता था जब मैं कहीं बाहर जाता था और अपने चार्जर को घर पर ही भूल जाता था। हाँ, पता है मेरी सोच बहुत ज्यादा भाई आते कभी कभी,
पर क्या करूं, जब मेरे दिमाग में आया तो तुम लोगों को आंसर देना तो बनता ही है। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक मोबाइल चार्जर 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद उसको रेगुलेट करके फोन में ट्रांसफर करता है। लेकिन एक बात जो हमें से बहुत ही कम बंधु जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि एक फोन का चार्जर ना सिर्फ वोल्टेज को रेगुलेट करता है बल्कि वो ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। आप क्योंकि हमारे फोन की बैटरी डीसी से चार्ज होती है ना कि एसी से, तो अगर उस कंडीशन में अगर आप अपने फोन को डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट से लगा देते हैं और अगर आपका फोन काफी ज्यादा अच्छा और महंगा क्वालिटी वाला फोन है तो वो अपने आप ही इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है और आपके फोन को, चार्जर को, उसके वायर को और आपको कुछ भी नहीं होता। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन इससे उलट अगर आपका फोन थोड़ा सा लो बजट वाला है तो कभी कभी कुछ कंपनीज कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने फोन के अंदर से उस डिवाइस को निकाल देती हैं जो कि इस कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है। और बाई चांस अगर ये सर्किट ब्रेकर आपके फोन में नहीं है और अगर आप अपने दिमाग की कीड़ों की खुजली को मिटाने के लिए अगर बाई चांस ये काम कर देते हैं तो बच्चा लोगों उस कंडीशन में तीन चीजें फटेंगी, पहला चार्जर, दूसरा फोन और तीसरा आपकी आपके पिताश्री की पॉकेट। अबे नया फोन जो दिलाना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि अगर आपके दिमाग में ऐसे कीड़े उलबुला रहे हैं तो उन्हें तुरंत ही हिट डालकर मार लो, उससे पहले अगर घर वाले तुम्हें ना मारते। क्या 2030 तक इंडिया में एंड्रॉइड फोन को बंद कर दिया जाएगा? असल में गाइस, भले ही चीज अभी आपको काफी ज्यादा अजीब लग रही हो लेकिन आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन हमारे देश ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो भैया आखिर में सवाल तो जरूर उठता है कि अगर अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके चलते हुए इंडिया गूगल को टाटा बाय बाय गुड बाय करने का प्लान बना रहा है। असल में गाइस, इस ऊंच नीच के पापड़े इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में, जब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर 1300 करोड़ रुपए का फाइन ठोक दिया क्योंकि इस कमीशन को ऐसा लग रहा था कि गूगल मार्केट में बने रहने के लिए बाइज तरीके से काम कर रहा है और वो अपनी राइवल कंपनीज की एप्स को अपने प्ले स्टोर से बिना वार्न करे ही उन्हें हटा देता है या फिर उनकी सर्च रैंकिंग को नीचे कर देता है, जिसके चलते हुए इनडायरेक्ट तरीके से गूगल का राज इंडियन मार्केट के ऊपर चल रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि जहां एक तरफ गूगल ने साफ तौर से इंडिया को ये फाइन देने से मना कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ उसने 14 जनवरी साल 2023 को इंडिया को बोल्डली ये कहा है कि अगर उसने इंडिया के अंदर अपने iOS सिस्टम को हटा लिया तो इंडियन मार्केट से या तो फोन बिकने ही बंद हो जाएंगे या फिर वो काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। और यहीं पर ही गाइस कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन प्रेजेंट डेट में इंडिया ने खुद को इतना केपेबल कर लिया है कि उसने ना सिर्फ खुद का ही एक iOS डेवलप कर लिया है बल्कि मेन एप्स के साथ इंडिया ने अपना मैप भी बनाकर तैयार कर लिया है और इंडिया के अंदर ये मैप इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बेहद ही आसानी से गूगल मैप्स को टक्कर दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इंडिया ने अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को भी बनाकर तैयार कर लिया है जिसे बेहद ही जल्द इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले लो कॉस्ट मोबाइल के अंदर भी डाला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका अपना ही अलग से एक ऐप स्टोर भी होगा जिसमें से आप सभी मेन उन एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इंडियन मार्केट के लिए पूरे ही तरीके से सेफ हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि मे बी आगे आने वाले समय में गूगल की हुकूमत को कम करने के लिए इंडिया अपना एक ऐसा डिसीजन ले सकता है जिसके अंदर इंडिया में बिकने वाले सभी फोन्स के अंदर उनका ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एंड गेस व्हाट, अगर ये सारी चीजें इसी क्रम से चलती रही तो साल 2030 वो साल होगा जब हमारी गूगल के ऊपर से डिपेंडेंसी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और जरा मेरा कलेजा तो देखो, मैं इस बात को ही गूगल के यूट्यूब के ऊपर बता रहा हूं, मतलब समझो कितना बड़ा रिस्क लिया मैंने तुम लोगों के लिए। अब चुपचाप से इस वीडियो पर 12,000 लाइक कर देना क्योंकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने ये रिस्क तो ले ही लिया है। हेलो, हाँ पिचाई साहब, क्या मतलब कि चैनल की रीच कम कर देंगे और इस जन्म में 2 मिलियन, अरे इसी जन्म में 2 मिलियन देखने? पिचाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं पिचाई साहब, अरे रुकिए तो।